अब हमारा एग्जाम्पल नंबर टू है। अभी हमने पिछले पार्ट में एग्जाम्पल नंबर वन को हमने समझा था, और उसमें साथ ही साथ हमने समझा था ट्रिपल एस यानी कि एस 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 प्रॉपर्टी को समझा था, और साइड एंगल साइड को समझा था। तो ये एग्जाम्पल नंबर टू जो है वो साइड एंगल साइड पर ही डिपेंड है, और पर हम इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंड उस पर ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि लाइन एल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो ए बी है, इस ए बी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो इस पर परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसने पहले ही ये क्लियर कर दिया है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल इधर बन रहा है। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये ए बी की बाइसेक्टर भी है, मींस ये दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी दोनों ट्राइंगल के अंदर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, बस इतना ही गिवन है कि ये लाइन, इस ये जो लाइन है एल लाइन, या यू कैन से पी सी जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ए बी का बाइसेक्टर भी है। अब क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एंड इतनी ही कंडीशंस हमें गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन था तो हमने लिख दिया कि 90 दोनों में हमें दे रखा है, और ये दोनों, क्योंकि अब बोला है कि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है। तो आप खुद लिख देंगे, तो गिवन क्या क्या हुआ, गिवन हमारा ए सी और सी बी बराबर हुए। तो क्या हम ए सी और सी बी लिखेंगे, अभी मेरा स्टूडेंट बताएगा। बताओ AC और BC। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होने चाहिए भाई मेरे बच्चे के लिए। तो AC और BC, तो A से C और B से C। देखिए अगर आप ये कहेंगे कि सर बराबर तो है ही है, क्या दिक्कत आ रही है, पर क्या कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से होनी चाहिए। अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया है कि हम नेमिंग क्यों और किस तरह से इस तरह से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल अगर हम ए से सी जा रहे हैं तो बी से सी जाएंगे, क्योंकि ए पर और बी पर जो एंगल बन रहे होंगे वो बराबर होंगे, और सी पर जो एंगल बन रहे होंगे वो बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंगली हमें बराबर लेना है ए सी एंड बी सी, या फिर हम सी ए लिखते तो सी बी लिखते, क्योंकि सी पर एंगल बराबर बन रहे हैं। चलिए ये चीज़ हमें गिवन है, यानी कि ये हमें पता चल गया है, और हमें ये पता चल गया है कि दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह से अलग अलग बना देता हूँ तो ये बहुत ही क्लियर तरीके से हमें समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो सी पर बन रहा है, तो मैंने 90 डिग्री मैंने सी पर बना दिया है, तो सी से मेरा लेफ्ट में ए घूम रहा है, और सी से राइट में मेरा बी घूम रहा है, और सी से ऊपर टॉप पे पी है, और सी से ऊपर टॉप पे मेरा पी है। तो देख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल में पी सी पी सी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि इस बार देखो दोनों को साथ लेके चलिएगा, तो ए सी और बी सी जो है ये दोनों बराबर थे। क्यों बराबर थे, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। तो ए सी एंड बी सी दोनों बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आप देख रहे हो इसमें दोनों ये और ये बराबर है, और बाकी इसके अलावा ए सी और बी सी बराबर है। और ए सी और बी सी ये तुम्हारा, अब देखो ए सी और पी सी, ए सी पी सी के बीच में ये 90 डिग्री बन रहा, मतलब एंगल बन रहा है, या ए सी पी सी के अलावा कहीं बन रहा है, बताओ। ये एंगल दोनों के बीच में BC कौन सा वाला, ये वाला ना। अगर हमें ये साइड गिवन है कि पी सी और ए पी सी दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमन तो चीज़ बड़ा गिवन ही होती है, एंड ये तो अगर हम देखते हैं तो ये है पी सी और ये है ए सी। देखो पी से सी आ रहा हूँ तो ए से सी जा रहा हूँ, तो सी बाद में ही ले रहा हूँ, पी से सी, बी से सी, ए से सी, तो सी 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 बाद में, तो मिर्ची लग रही है सी सी सी। तो अब इसके अलावा हम देखते हैं कि 90 डिग्री जो हमें एंगल गिवन है, ये हमें एंगल 90 डिग्री जो दे रखा है, ये साइड जो गिवन है ए सी जो कि बी सी के बराबर है, और पी सी जो दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ें कॉमन है मतलब हमें पता है कि बराबर ही होगी, ऑब्वियसली कॉमन चीज़ें तो बराबर ही होती हैं। तो किन्हीं दो गिवन साइड्स के बीच में जब कोई एंगल बने, तो उसे ऐसे एस कहते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, वैसे 4 मिनट हो चुके हैं इसको समझाते हुए, एंड बस अब क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल्स की नेमिंग बच्चों, अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं कहा है कि ट्राइंगल आप कौन सा वाला लेने वाले हैं, तो अब ये चीज़ें आपको मैंने एग्ज़ाम्पल नंबर वन में बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई है कि
हम लोग किसी भी ट्रायंगल का नाम और ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल किस तरह से लेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि मुझे अगर क्या प्रूव करना है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, तो कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए से लेके पी की दूरी और बी से लेके पी की दूरी कह लो दोनों बराबर है, या कह लो कि पी से ए और पी से बी दोनों बराबर है, तो बराबर है दोनों ही, हमें प्रूव करना है। हम इन दोनों को अगर बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल के को अगर हम बराबर कर दें तो दोनों बराबर ट्राइंगल्स की साइड भी बराबर होती हैं, एंगल भी बराबर होते हैं, और बस और क्या होगा, साइड और एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल का नाम अब हमें क्या प्रूव करना है कि कौन कौन से ट्राइंगल, प्रूव तो हमें ये करना है कि ए पी और बी पी जो है दोनों बराबर हैं, प्रूव तो हमें ये करना है। लेकिन इनको प्रूव करने के लिए हम अब प्रूव जो हम कर रहे हैं, इन दोनों को प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल कौन से लेंगे बताओ बेटा। पहले हम ले सकते हैं ए सी पी ले सकते हैं, और उसके बाद हम ले सकते हैं बी पी सी। अच्छा आपने लिया है क्या ए पी सी, ए पी सी ले सकते हैं, बी पी सी ले सकते हैं, फिर पी ए सी। चलो मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, ए पी सी के बराबर क्या ले रहे हो आप, बी बी पी पी सी ले रहे हो, और दूसरा दूसरा ए पी ए हो गया पी ए सी। अच्छा पी ए सी पी बी सी पी बी सी ये दोनों बराबर बोल रहे हो, और सी पी ए सी पी ए और सी पी बी और सी पी बी बस यही होंगे। फिर हम ले सकते हैं ए सी पी हाँ और बी सी पी। चलो लिख देता हूँ ए सी पी और बी सी पी। तो मतलब एक ट्राइंगल के छः नाम हो सकते हैं, देखो चार आ गए यहाँ पे, है ना। तो कौन सा सेम है, कौन सा सेम है, पी ए सी सी पी ए ए पी सी, देखो ए पी सी ए पी सी है ना, ए पी सी ये बराबर हो गए, सी पी बी सी पी बी बस ऑर्डर बदल गया है ना। अगर ए को हम वेट क्या है, ए पी सी है ना, तो पी तो बीच में ही है, तो अगर हम इसको पढ़ें उल्टा पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो ए पी सी ए पी सी इसको ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि ये सेम हो गया। चलो ऊपर वाले को कट कर देते हैं। तो जी अब यहाँ पर हमारे ये डियर स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया है कि ये ट्रायंगल के तीन नाम हो गए हैं। तो ट्रायंगल के जब तीन नाम हो गए हैं तो इनको हमने किस तरह से लेना, मतलब कौन सा लेना है, बस ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है कि हमें ये लेना है, ये लेना है कि ये लेना है। तो क्या आपका कहना यह है कि हम कोई भी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई भी ले सकते हैं। लेने को तो हम कोई भी ले सकते हैं, पर हमें लेना वो होता है जो हमें कंडीशंस, जो हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है, जो हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें गिवन है एंगल सी। तो अगर हमें एंगल सी गिवन है तो ए सी पी और बी सी पी लेंगे। P का पता नहीं है, इसका पता नहीं है बराबर है कि नहीं है, क्लियर ना, इसका पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं है, और A और B का पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं है, इसीलिए A और B का हमें पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि A और B बीच में आ रहे हैं। हमें ये पता है कि हाँ C और P, C और C दोनों जो है सी सी पर बनने वाले एंगल दोनों बराबर हैं। तो अगर देखिए ए सी और पी आए तो ए बी लाइन पर ही ए आ रहा है और ए बी लाइन पर ही बी आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा कि दूसरा नेमिंग हमने लिया है बी सी पी। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जब हम इसके बाद किसी भी साइड का नाम लिखेंगे या किसी भी एंगल का नाम लिखेंगे तो कभी भी उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हम ये दो ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो हम अगर ये प्रूव कर देते हैं तो ये लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल्स को उठा लिया है हमने, इन ट्राइंगल दिस वी कांट से कि ये और ये इक्वल है, अभी तक हम नहीं कह सकते कि इक्वल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एंड। तो ए सी पी जो है वो बी सी पी के बराबर है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अब देखो अभी हमने यहाँ पर ये दो ये फिगर्स बनाई थी, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने इस तरह से जो है बना दिए थे दोनों अलग अलग, एक ही के अंदर दोनों ट्राइंगल आए तो आप लोग अलग अलग लिख दो, ए और सी और पी, तो देखो ए सी पी और पी सी और बी, तो देखिए पी सी पी सी आपको दोनों ट्राइंगल में दिख रहा है, तो पी सी और पी सी दोनों में बराबर हैं। एंड देन यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए सी पी सी पी दोनों में आ रहा है, तो सी पी सी पी दोनों में आ रहा है, देखिए सी पी सी पी, तो ये चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लेना,
इसीलिए कि हम कुछ भी नहीं ले सकते। वैसे तो पीसी पीसी यहाँ पे आ रहा है, देखो पीसी 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 दोनों पीसी पीसी दोनों आ रहे हैं। खैर हाँ सी बीच में है तो दैट्स वाई हमें वो लेना है। एंड देन क्योंकि कंडीशन तो ऑब्वियसली गिवन है कि पीसी पीसी दोनों में ही आ रहा है, एंड बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, ये पीसी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का, तो एबी अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो एसी और बीसी बराबर हो जाएंगे, तो एसी और बीसी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए एसी और बीसी, बच्चा सोचेगा कि क्या मैं पहले साइड साइड को ही लिखूं, तो ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखें तो यही गलती हो जाएगी। तो देखिए एसी और बीसी दोनों बराबर हैं, पीसी और पीसी दोनों आपको कॉमन दे रखे हैं, कॉमन चीज़ें बराबर होती हैं, तो दो गिवन साइडों पर 90 बन रहा है, दो गिवन साइडों पर इसमें भी 90 बन रहा है, इसलिए साइड एंगल साइड तो इसलिए हमें साइड ले ली है, फिर से मैंने साइड ले ली है, पर साइड के बाद एंगल लेंगे क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चन करने से पहले ही करनी पड़ेंगी, मतलब इट इज़ लाइक फनी थिंग ना। तो पीसी पीसी ले लिया है एंड फिर हम लेंगे एंगल एसीपी एंड दूसरे एंगल का नाम होगा, जोर से बोलो, बीसीपी। हाँ बीसीपी। तो एसीपी और बीसीपी, देखिए इस बच्चे ने ए से सी गया है तो बी से ही सी आया है, तो अगला वर्टेक्स हमारा पी बचा, तो ए से सी आए हैं और फिर बी से सी आए हैं, तो हम फिर अगला वर्टेक्स हमारा एसी और फिर पी, एसी ए बी सी और फिर पी, तो इसलिए एसीपी और बीसीपी। अगर अच्छा पढ़ोगे तो एसीपी जरूर बनोगे। तो तीन चीज़ें हो गई हैं, दिस इज़ द साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, तो साइड एंगल साइड। अब हम लिख, भाई देखो ऐसे तो नहीं लिखना है कि साइड है, पर ये लिख लो कि पीसी पीसी बराबर क्योंकि कॉमन है, ये बराबर क्यों क्योंकि ईच 90 है, ये बराबर क्यों है क्योंकि बाइसेक्ट हुई है ना, तो लिखो कि ए बी इज बाइसेक्टेड बाय पी सी, या यू कैन से लाइन एल। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर साइड और एंगल और साइड बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमने जो ट्राइंगल लिए थे तो बड़े ही ऑर्डर से लिए थे, तो वही ट्राइंगल हमारे ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल ये 90 डिग्री दे रखा था, ये दोनों साइडें दे रखी थी, तो ए से सी और पी सी कॉमन था, तो इसलिए हमने लिया ए सी पी और बी सी पी। तो ट्राइंगल का नाम बड़ा मैटर करता है, उसकी नेमिंग्स उठाना बड़ा मैटर करता है। तो देखेंगे अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं यूजिंग एस ए एस, तो एस ए एस का ही क्वेश्चन है। तो अब जब दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो उनके अंदर बनने वाले सारे एंगल बराबर होंगे, तो ध्यान से देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, जो एंगल ए पर बन रहा होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और जो एंगल सी पर बन रहा होगा इस वाले ट्रायंगल में वो 90 है, दूसरे ट्रायंगल में जो है इधर वो भी 90 है, एंड पी पर जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पर देखिए दोनों में पी एंगल कॉमन आ रहा है, तो दैट्स वाई पी एंगल बराबर है, तो एंगल हुए। तो पर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए से पी और बी से पी बराबर होंगे। अब अगर हमने इसकी नेमिंग बड़े ही ऑर्डर से उठाई है तो हमारा देखिए हमें क्या दिखाना है कि ए से पी और बी से पी बराबर है, तो देखिए ए पी दोनों आ रहा है और बी पी दोनों आ रहा है, बड़े ऑर्डर में आ रहे हैं ए पी और बी पी देखिए बड़े ऑर्डर में आ रहे हैं, ए पहले है पी बाद में है, तो ए पहले है तो बी पहले है, बी पी बाद में है तो पी बाद में है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग उठा लेंगे कि ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया। तो आप और क्या समझ सकते हैं, जो चीज़ आपको गिवन थी वो भी यहाँ पर आई होंगी, क्या चीज़ कि ए सी पहले है, ए पहले सी बाद में है, तो ए पहले सी बाद में है, तो ए सी और बी सी देखो दोनों बराबर आ रही हैं, और ट्रायंगल के अंदर ए पहले सी बाद में तो बी पहले सी बाद में, इसीलिए बड़ी ही मैटर करती है चीज़ें। देन उसके बाद और ये साइड ऑटोमेटिकली बराबर, जिसने बोला ही है कि बराबर होंगी, और देखो सी पी सी पी दोनों में आ रहा है तो सी पी तो कॉमन था, तो क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ने में टाइम लगता है। यस हेंस प्रूफ, तो ये नॉट हेंस प्रूफ, अभी हम ए बी इज इक्वल टू बी पी हमने लिख दिया, ये हेंस प्रूफ हो चुका है। क्यों बराबर है बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी नाम की एक चीज़ होती है
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये इधर है तो वो उधर है, इधर 90 है इधर 90 है, इधर एंगल ए है इधर एंगल पी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए। एंगल 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 सारे बराबर हुए, साइड 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 ही बराबर हुए। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स वाई वी कैन से ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो दैट्स इट। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ट्राइंगल बराबर हो गए, बस खत्म। तो ट्राइंगल बराबर तो लिख देंगे, ये बराबर ये बराबर, और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं। सपोज पूछा होता कि एंगल पी ये जो है ए पी सी और एंगल जो है बी पी सी बराबर है, तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझते चलिए एंड स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए।